हेलो नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे छोटे से चैनल रेलवे क्रिकेट्स में आपका। नेवी एमआर 2019 का 23 फरवरी का सेकंड शिफ्ट का पेपर हो चुका है। पेपर में बताए जाने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स, मैंने आपको मैं बता देता हूँ, जितने भी मैंने लूसेंट के क्वेश्चंस कराए हैं सारे के सारे आपको 500 प्लस का एक वीडियो बनाकर दे गया था, जिसमें आप मैंने बहुत मेहनत किया था, बहुत ज़्यादा ही मेहनत किया था। उसके बाद भी मैंने कुछ सेट्स दिए हैं लूसेंट्स के, अगर आप देखना चाहें तो आप हमारे विजिट चैनल में विजिट करके देख सकते हैं। उसमें आपको मैं 1000+ भी वीडियो बना के डाल रखा हूँ, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा, शेयर करते रहिएगा। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्या राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है? तो बहुत ही बड़ा वीडियो मैं बताता हूँ, बहुत ही बड़ा वीडियो है जिसने देखिए कम से कम 40 या 45 उसमें लाइक हैं और एक या दो उसमें डिसलाइक हो गए। देखिए वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो बहुत ही मेहनत से वो हमारे द्वारा बनाया गया है। उसमें राज्य, राजधानी और जो मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है, एक चार जो टॉपिक है एक वीडियो में कवर किया गया है। तो उस वीडियो को पूरा का पूरा देख लीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही मेहनत से बनाया गया है, उसको शेयर करते रहिएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया था मुख्यमंत्री राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे, अशोक गहलोत। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिए वियतनाम की कैपिटल पूछी गई थी, कौन हो जाएगी? वियतनाम की कैपिटल हो जाएगी आपकी हनोई। अगर आप हिंदी में लिखना चाहेंगे तो आपको ऐसे लिखना होगा, हनोई। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, क्या यूएनओ के परमानेंट मेंबर कितने हैं? ठीक है, तो ये देखिए 5 सदस्य हैं। इसका मैं पीछे इस पेज के ही पीछे आपको मैं इसका उसका भी क्वेश्चन मैंने अच्छे से करा रखा है। देखिए चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, क्या लिख रखा है, रेखीय संवेग का मात्रक कितना है? फिजिक्स में रेखीय संवेग का मात्रक कितना होता है? mv। ठीक है, मोमेंट इनटू वेलोसिटी mv। ठीक है, ये आपका मात्रक हो जाएगा रेखीय संवेग का। कुछ क्वेश्चंस अगर हमारे द्वारा ये गलत होते हैं तो आप उसका कमेंट में जरूर उसका आंसर करिएगा, और जो भी क्वेश्चंस आपके सेकंड शिफ्ट में आए हैं उसको भी जरूर दीजिएगा, ताकि मैं थर्ड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चंस मुझे मिलेंगे उसका और कम से कम 30 मिनट का वीडियो मैं बना दूंगा, ताकि उसमें एक ही वीडियो में सब क्लियर हो जाएगा, सब कवर कर दूंगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत और चीन की जो लगने वाली रेखा है कौन सी हो जाएगी? भारत और चीन में के बीच जो लगने वाली रेखा है उसको कौन सा रेखा कहते हैं? उसको मैकमोहन रेखा कहते हैं। क्या? मैकमोहन लाइन कहते हैं, मैकमोहन लाइन या मैकमोहन रेखा कहते हैं। निम्न में से हड़प्पा से कौन सा स्थान संबंधित है? तो निम्न में से हड़प्पा से कौन सा स्थान संबंधित है? तो मोहनजोदाड़ो संबंधित है। ठीक है, मोहनजोदाड़ो संबंधित है। डायमेंशंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? देखिए L²mt⁻¹। ठीक है, यह आपका हो जाएगा डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को हमको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? अल्फा से। किससे? अल्फा से डिनोट करते हैं एंगुलर मोमेंटम को। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, देखिए एम्पियर का ऐसा यूनिट पूछा गया था। क्या? एम्पियर का ऐसा यूनिट। जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होते हैं आप कमेंट करिएगा, कमेंट में सारे का आपको जवाब मिल जाएगा, जो भी क्वेश्चन, कोई भी A to Z। ठीक है ना, एम्पियर का ऐसा यूनिट पूछा गया तो इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा करेक्ट आंसर। 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? ये क्वेश्चन एक सिंपल सा घुमा के पूछा गया है। ऐसे ही पूछ सकता था कि स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। देखिए दिवसों से लेके बहुत ही बड़ा वीडियो बनाया गया है हमारे चैनल पर, तो उसको देख सकते हो बहुत ही अच्छे से। ठीक है, 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो स्वास्थ्य दिवस, हेल्थ डे होता है, वो हेल्थ डे मनाया जाता है 7 अप्रैल को। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट वैल्यू से बैटरी की खोज, मतलब बोला किसकी द्वारा की गई है खोज, किसकी द्वारा की गई है? तो वोल्ट्समैन द्वारा ये किया गया है, वोल्ट्समैन द्वारा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ट्रिग्नोमेट्री से आज मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस मुझे मिलेंगे इसके बाद, तो ट्रिग्नोमेट्री के देखिए 3 प्रश्न पूछे गए हैं, 3 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप जरूर देखिएगा कि मैथ्स में क्या क्या टॉपिक के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आए हैं 3 क्वेश्चन। ठीक है, आज सुबह ही ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन मैंने कराया था, बताया था कि क्या क्या क्वेश्चंस में ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए हड़प्पा पूछा गया है किस नदी किनारे बसा था, तो हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे बसा है। कहाँ पर? रावी नदी किनारे बसा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य कितने? देखिए मैंने ऊपर वाला जो क्वेश्चन है ये वाला यूएनओ के परमानेंट मेंबर, इसके देखिए ये आंसर है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य कितने हैं? तो ये हो जाएंगे आपके 5। क्या क्या है? अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस। ठीक है, देखिए 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय पूछा गया है कहाँ पर है? तो बहुत ही सिंपल सा आंसर हो जाएगा आपका, न्यूयॉर्क।
कहाँ पर? न्यूयॉर्क में ये आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एक पूछा गया था कि किस नदी किनारे बसा हुआ है, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपके नर्मदा गुजरात जो है आपकी, जो हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल के उपलक्ष में ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी उनके नाम का बना हुआ है। ये कहाँ पर बना है? नर्मदा नदी किनारे गुजरात में बना हुआ है। खजुराहो मंदिर पूछा गया है, किसने बनवाया है खजुराहो मंदिर ने, किसने बनवाया भाई? तो चंदेलो ने, किसने? चंदेलो ने बनवाया है खजुराहो का मंदिर। भारत की पहली इंजन लेस ट्रेन कौन सी है? तो भारत की पहली इंजन लेस ट्रेन हो जाएगी आपकी ट्रेन 18। क्या हो जाएगी? ट्रेन 18। देखिए नोबेल प्राइज पूछा गया है कौन सा देश प्रदान करता है, तो नोबेल प्राइज आपका स्वीडन जो देश है ये प्रोवाइड करता है। कौन सा देश प्रोवाइड करता है? स्वीडन प्रोवाइड करता है। तो फ्रेंड्स ये थे मुझे कुछ सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस मुझे मिले हैं, जैसे ही थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन मुझे मिलते हैं सारे के सारे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल से जुड़ जाइएगा। चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता है मेरा वीडियो देखने के बाद मेरे जितने भी सहपाठी, जितने भी मेरे भाई बंधु हैं, बहन हैं, सभी चैनल से जुड़ जाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जितने भी क्वेश्चंस मुझे मिले हैं फ्रेंड्स, इसके बाद जो भी क्वेश्चंस मुझे मिलेगा वो ऑथेंटिकेट होगा और ये भी ऑथेंटिकेट है। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, तब तक लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करते रहिएगा। जैसे मुझे क्वेश्चंस मिलते हैं सारे के सारे आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तब तक के लिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।